अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 65। आज के लेसन में हम एक्सट्रूड कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रूड कमांड क्या होती है और उस पर किस तरह काम किया जाता है, और हाउ टू यूज़ डायरेक्शन इन एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड कमांड के डायरेक्शन पे कैसे काम करते हैं, और पाथ क्या होता है, टेपर एंगल क्या होता है, एंड पर्पज़ ऑफ एक्सप्रेशन कमांड्स क्या होता है। और आज के इस लेसन की तरफ हम चलते हैं, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं, एक्सट्रूड कमांड होती क्या है। तो आपके पास यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर हम लॉफ्ट के ऊपर काम करेंगे और रिवॉल्व एंड स्वीप के ऊपर काम करेंगे। तो एक्सट्रूड कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रूड कमांड की तरह जो काम करती है वो स्वीप काम भी काम करती है, स्वीप कमांड भी काम करती है, और आपके पास यहाँ पे एक ये कमांड है 3D पोली और प्रेस पोल, ये तीनों कमांड्स इसी की तरह काम करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि इसमें फर्क क्या है। तो एक्सट्रूड कमांड के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, और तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे जाता हूँ, टॉप व्यू में जाके मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, सर्कल सी एंटर करता हूँ, ओके, ट्रिम के लिए टी एंटर, टी आर एंटर, ट्रिम के दो तरीके होते हैं, तो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जो जो एरिया आपने ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट कर दें, ये एरिया ट्रिम करना है और मैंने ये क्यू एरिया ट्रिम करना है, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में लेके आता हूँ। एस ई का मतलब होता है साउथ ईस्ट होता है, और एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट इसका मतलब होता है, ओके। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो एक्सट्रूड में के लिए EXT शॉर्ट कमांड होती है, उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ से भी एक्सट्रूड कमांड आप एक्टिव कर सकते हैं। EXT एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करके एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये आपको बता रहा है आपने कितना एक्सट्रूड करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं इसको कितना आपने एक्सट्रूड करना है इसकी। तो उसके लिए मैं हाइट इसको देता हूँ तकरीबन, फॉर एग्जाम्पल 10 फीट इसको हाइट दे देता हूँ। 10 फीट इसलिए नहीं काम कर रही क्योंकि मैंने यूनिट सेट नहीं की हुई, यू एन एंटर, आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग, 0 फुट 0 इंच एंड ओके ओके। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस, और यहां से आप इसे एक्सट्रूड कर दें जितना आपने एक्सट्रूड करना है। तो मैं इसको 5 फिट के फासले पे एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 फुट के फासले एक्सट्रूड हो गया, और इसको आप यहाँ से शेड दे सकते हैं, SHADE शेड लिखें, या फिर आप यहाँ पे जाके तो इसको 2D वायर फ्रेम में जाके तो यहाँ से भी आप इसको शेड दे सकते हैं। तो मैं शेड देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इसको शेड आ गया, देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाके आप इसको शेड देना चाहें तो आप यहाँ से शेड इसको दे सकते हैं, ओके। तो ये था जी हमारे पास एक्सट्रूड का फंक्शन। अब एक और काम इस पर मैं करता हूँ, ये तो हमने सिंपल एक एक्सट्रूड किया, अब मैं इसको थोड़ा साइज इसका बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ इसका, ओके तो यहाँ पे इससे तो टच कर लें, इसको उठा के इससे तो टच कर लें, क्योंकि मैंने डायमेंशन सेट नहीं किया इसलिए साइज़ का पता नहीं चला। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लॉक करने के लिए यूसी एंटर करें,
डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। इस सारे को ज्वाइन करने के लिए सारे के सारे को सिलेक्ट करें, क्योंकि मेरे पास आर्क अलग से और ये अलग से ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप ड्रॉ में जाएंगे, सॉरी मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास एक कमांड होगी ज्वाइन के नाम से। ओके अब देखें एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे मैं इसको काम ये करता हूँ कि एक्सट्रूड के लिए मैं इसको ऑफसेट देता हूँ थोड़ा सा ओ एंटर, क्योंकि मैं इसकी विड्थ भी चेंज करना चाह रहा हूँ, एक्सट्रूड के लिए विड्थ भी ओ एंटर, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 9 इंच की ऑफसेट देता हूँ, 9 इंच में इसको हाई विड्थ भी देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप इसको ये 9 इंच की मैंने विड्थ दे दी, इसको ऑफसेट देती हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो एक्सट्रूड के लिए ई एक्स टी एंटर करूँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंटर, और देखें ये लिए एक्सट्रूड हो गया ऑब्जेक्ट, शेड एस एच ए डी ई एंटर करता हूँ, शेड आ जाएगा। अब इसमें जब मैंने इसको एक्सट्रूड किया तो ये देखें इसके बीच वाला हिस्सा भी कुछ एक्सट्रूड हो गया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से यूज़ करेंगे प्रेस पुल कमांड, और क्लिक करें इस पर और इसको नीचे यहाँ पे ले आएँ और क्लिक कर दें। अगर इस तरह नहीं हो रही तो आप उसके लिए सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करें, सब्ट्रैक्ट कमांड के लिए पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें एंटर करें, और फिर सेंटर वाले ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट को अपने करना है तो उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दें, देखें डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया। ओके तो ये था जी एक्सट्रूड कमांड का एक और फंक्शन था। अगर आपने अभी आपने अगर सब्ट्रैक्ट कमांड नहीं पढ़ी हुई तो आपको अभी हमने नहीं पढ़ी हुई तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्ट कमांड आप सही आनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी वो उसकी तरफ जाऊंगा तो आपको सही समझ आएगी। तो आप एक्सट्रूड के लिए ई एक्स टी एंटर करके ना यहाँ से और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एंटर करके एक्सट्रूड कर दें, शेड देता हूँ मैं, इसमें भी शेड आ गए। चलें मैं इसके लिए ये सिंपल आपको ये समझाता हूँ। ओके अब इस एक्सट्रूड कमांड में और भी कुछ फंक्शन होते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं वो भी आपको समझाता हूँ। तो उसके फंक्शन ये है कि मैं फॉर एग्जांपल एक ई एक्स टी एंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंटर करता हूँ और ये भी एक्सट्रूड हो गया, देख सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड तो मैंने इसको कर लिया है, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल, इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ मैं, शेड देता हूँ एस एच ए टी ई शेड, इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने के लिए मैं जब ई एक्स टी एंटर करता हूँ तब मुझे कुछ ऑप्शन दे रही है, जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंटर करता हूँ मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन पाथ टेपर एंगल एंड एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन वाले पे पहले काम करता हूँ, तो डायरेक्शन के लिए आपने डी एंटर करना है और मैं इस एंगल पे डायरेक्शन को देना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखें तो देखें मेरे पास बिल्कुल सेम डायरेक्शन में एक और ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया। तो यह था डायरेक्शन का फंक्शन, फिर आपको समझाता हूँ डायरेक्शन का फंक्शन। ई एक्स टी एंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया स्पेस डायरेक्शन के लिए डी एंटर करता हूँ, कह रहा है फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें आप, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया कह रहा है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट मेरे पास ये है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस डायरेक्शन में मेरे पास ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया। ओके तो ये था जी एक्सट्रूड का दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन है किसी पाथ में आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, तो पाथ में एक्सट्रूड करने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं एक पॉलीलाइन कमांड लेता हूँ, पी एल एंटर करता हूँ, ये एक बात है। हम इसको फ्रंट पे मैं आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर करता हूँ। ओके अब इस रेक्टेंगल को मैं 3D में रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो 3D में रोटेट करने का मैंने आपको तरीका बताया था, तो आप इसको रोटेट आर ओ एंटर करेंगे, रोटेट 3D पे क्लिक करेंगे, तो इसको फ्रंट से रोटेट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से रोटेट करना चाह रहा हूँ, कितने 90 के एंगल पे,
रोटेट हो गया, मूव करता हूँ इसको, एम एंटर, सेंटर पॉइंट्स का सिलेक्ट करता हूँ, एक के सेंटर पॉइंट आ गया, दूसरा यहाँ से ये आ गया, और इन दोनों का मिड पॉइंट ये आ गया जी, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लेके आता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करता हूँ और उसमें पाथ दूंगा, तो पाथ के लिए आपने क्या करना है, ई एक्स टी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, और अब यहाँ से पाथ देना है, तो पाथ के लिए पी एंटर करता हूँ मैं। अब पाथ मेरे पास ये है, तो ये वाला पाथ मैं इसको दूंगा, तो इस पाथ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये था जी पाथ पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना, तो उसका तरीका। अब यही काम आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि यही पाथ देने के लिए मैं यहाँ पे हेलिक्स कमांड लेता हूँ और इसको डायमीटर में देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल 10 फिट, 10 फिट एंड डायमीटर भी, और इतना एंगल दे दिया। अब इसको भी मैं यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, और रोटेट आर ओ रोटेट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से इसको F8 प्रेस कर लें आप, 90, रोटेट करता हूँ, मूव करता हूँ इसको, एम एंटर, इस पॉइंट पे इसको लगा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको ई एक्स टी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर, और इसको भी पाथ देता हूँ, पाथ के लिए पी एंटर करता हूँ और यहाँ से इसको पाथ दे देता हूँ, तो देखें ये इस पाथ के ऊपर ये एक्सट्रूड हो जाएगा, देख सकते हैं। और उसके अलावा अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है जी टैपर एंगल है, उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इस रेक्टेंगल को मैं टैपर एंगल में एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ई एक्स टी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, टैपर एंगल के लिए आपने टी एंटर करना है, क्या देखें ये एंगल है इसका टेपर एंगल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें जरा जितना आप एंगल देंगे, देखें ये टेपर एंगल आपका ऑब्जेक्ट है, तो टेपर एंगल मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 फिट, 20 फिट का ये वाला एंगल आया है, सॉरी वो मैंने रेक्टेंगल दिया, स्पेसिफाई हाइट देता हूँ, तो हाइट दूंगा इसको मैं 15 15 फिट दूंगा, मैं दोबारा टेपर एंगल पे काम करता हूँ, एक्सट्रूड ई एक्स टी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, टेपर एंगल के लिए टी एंटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने एंगल कितना देना है, देखें स्पेसिफाई एंगल ऑफ टेपर, तो एंगल में देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल 45 का एंगल देता हूँ इसको, हाइट इसको आप यहाँ से देते हैं तो हाइट दे, मैं इसको हाइट देता हूँ 10 फिट की, 10 फीट की हाइट भी आ गई और टेपर एंगल भी इसका आ गया, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट किससे एक्सट्रूड हुआ है, जबकि अगर यही मैं रेक्टेंगल यहाँ पे लेके सिंपल इसको एक्सट्रूड करता तो एक स्क्वायर की शेप में एक्सट्रूड होता। ई एक्स टी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एंटर, 10 फुट पे मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, तो देखें ये किससे एक्सट्रूड हुआ, रोज का फंक्शन देखें तो उसका एक टेपर एंगल आगे बन गया, तो ये था जी आपका टेपर एंगल का फंक्शन। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे मैं देखता हूँ एक्सप्रेशन क्या है, तो उसके लिए आर ई सी एंटर करता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन का तो मुझे सही कंफर्म नहीं है कि एक्सप्रेशन है क्या, तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, और ई एक्स टी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और एक्सप्रेशन के लिए ई एंटर करता हूँ, एंटर, एक्सप्रेशन में देता हूँ जिसे 15, एंटर। ओके, एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया एक्सप्रेशन है क्या, तो एक्सप्रेशन बेसिकली जो होती है आपकी नॉर्मल जो एक्सट्रूड हो रहा होता है वो आपका एक्सप्रेशन का फंक्शन होता है। तो ये था जी आपका ऑटो कैड में एक्सट्रूड कमांड्स और इसके मुख्तलिफ कमांड्स पे हमने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और बहुत मज़ा भी आया होगा आपको इस लेसन पे, और 3D सॉलिड में काम करते हुए मीन 3D मॉडलिंग पे भी काम करते हुए आपको मज़ा आ रहा होगा, और
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ नई एडवांस कमांड्स के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इन कमांड्स पे बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इन कमांड्स पे काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।